धूप दे देते हैं, और धूप देने के साथ साथ उनकी बनावट भी ऐसी कर लेता है। आप देखेंगे कुछ पौधे ऐसे हैं जो कहाँ उगते हैं, रेगिस्तानों में, तो उनकी बनावट ऐसी है कि उनमें पानी भरा रहता है, कृष्ण ने ऐसा बना दिया। कुछ फूल छाँव में ही खिलते हैं, धूप उनको मार देती, तो जो जहाँ खिलता है भगवान उसको वैसा वातावरण दे देता है। आपको जो दिया है वो ठीक दिया है, उसी में रहो, लेकिन करो क्या ये जो अभी बता रहा हूं। मैं उन सर्व मंगलमयी, पहले यहां पर सुखदेव गोस्वामी ये कौन कहने वाला है? सुखदेव गोस्वामी महाराज, कोई साधारण जीव नहीं, जिनको साक्षात भगवान ने वचन दिया था तुम्हें माया का कोई असर नहीं होगा, आ जाओ मां के गर्भ से बाहर। उनका अनुभव बता रहा हूं ये भागवत में। पता नहीं आप लोगों पे हरि की कौन सी अहितु की कृपा मिल गई है कि ऐसे भयंकर कली काल में, जहाँ इंसान अपने जीवन की आपाधापी में जानवर की तरह जीता है, हाँ गधे की तरह मेहनत करता है और कुत्ते की तरह भोग भोगता है, गधे की तरह मेहनत करता है और कुत्ते की तरह भोग भोगता है और जीवन पूरा कर देता है, ऐसे वातावरण से आपको चुना गया है। ये चुने हुए लोग सब बैठे हैं सब चुने हुए, आपको भी नहीं पता है, क्योंकि मैं कह रहा हूं जनता जिनको चुनती है वो संसद में जाते हैं, होता है ना इलेक्शन, तो इलेक्शन में जिनको लोग चुनते हैं वो संसद में जाते हैं, हमारी दिल्ली में संसद है। जनता जिनको चुनती है वो संसद में जाते हैं, और जनार्दन जिनको चुनता है वो सत्संग में आते हैं। ये सब आप जनार्दन के चुने हुए हो, एक एक को चुना है, चल बेटा आ जा सत्संग में, आ जा तू, चल ट्रेनों के धक्के खा, तू आ जा सत्संग, तू जा अपने बॉस की डांट खा, तू जा माई के पास ही बैठा रहे, तू आ जा सत्संग में, तू जा पति की डांटी खाती रहे, तू आ जा हरी कथा में। ये चुना गया, अब ये तो अहितों की कृपा है, इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। हमको क्यों चुना ये तो मालिक की मर्जी। मालिदा कंफल लाना, मालिदा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा कंफल लाना लावे के ना, ये तो उसकी मर्जी है, जिसको चुन लिया चुन लिया, अब क्यों चुना ये मत सोचना। हम तो पतित थे तो चुन लिया, अगर ना चुनता तो पतित पावन कैसे होता। हम तो अधम थे, मांस खाते थे, मुर्गी खाते थे, मछली खाते थे, उनकी दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी तड़प हमको दिखती नहीं थी। जब मछली तड़पती थी तो हम सोचते थे फिश फ्राई खाएंगे, जब मुर्गी काटी जाती थी और चिल्लाती थी हम सोचते थे चिकन, तंदूरी चिकन खाएंगे। जिंदगी ऐसी बीत रही थी, हम कौन से महात्मा के बच्चे थे। और एक बात बताऊं, आप जैसे हैं ना कलयुग में ऐसे महात्मा के बच्चे भी नहीं होते हैं, आप महात्मा के बच्चों से भी महान हैं, क्योंकि मैंने महात्मा के बच्चों को भी रखड़ते देखा है। ये तो हरि की लीला है, जिसको भजन दे दे और किसी को भोजन दे दे, खाते रहो और हगते रहो। और किसी को हरि नाम दे दिया, अब ये तो उसकी अहितु की कृपा है। इसमें कोई रीजन ढूंढने बैठे तो कॉजलेस मर्सी, विदाउट रीजन मर्सी, बिना किसी कारण अकारण कृपा है कृष्ण की, अकारण कृपा है कृष्ण की। तो ये तो जो आपको मिला है वो महात्मा के बच्चे को नहीं मिलता है, वो तो सिर्फ महात्मा को मिलता है। इसके लिए कहा समात्मा सुदुर्लभ।
सुदुर्लभा। ये जो आप लोगों को मिला है वो आज कलयुग में महात्मा के बच्चों को भी नहीं मिला। कई महात्माओं के बच्चे ऐसे ही रखड़ रहे हैं, रुल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। ये आप बड़े नसीब वाले हो। ये कमल है सब जो कीचड़ में खिले हैं संसार के, सब कमल है। कृष्ण कौन है? कमलापति। लक्ष्मी कौन है? कमला। और आप कौन हो? कमल। ये सब कमल बैठे हैं जो कीचड़ में खिले हैं ऐसे भयंकर कलयुग में, जहां लोग न्यू ईयर नाइट के नाम पर पता नहीं क्या क्या करके आ जाते हैं और जिंदगी पूरी काट जाती है। आप बड़े भाग्यवान हो। अब मेरा श्लोक पता नहीं कब पूरा होगा, यहां टाइम हो गया, यहां समय हो गया। चलिए इस श्लोक को कल पे रखते हैं, अभी पूरा श्लोक। मुझे लोग कहते हैं भागवत सप्ताह करो, 7 साल में भी नहीं हो, 7 दिन में तो क्या बात है। 7 साल में भी मेरा भागवत सप्ताह पूरा ना हो, 7 दिन तो बहुत दूर की बात है। अच्छा हुआ हम नहीं थे वो राजा परीक्षित के जमाने में, नहीं तो वो नाग भी आ जाता है और डस्ट भी लेता है और हम तो वहीं बैठे रह जाते हैं। हाँ, भगवान जो लायक होता है उसी को देते हैं वो सब, जो जिसके लायक है उसको वो सब मिल जाता है। आप सोचो आपको जो मिला है ना उसके आप लायक थे। अगर आपको चंद्रापति मिला है तो समझो आप उसके, ठीक है, जो कर्म के फल हैं, ठीक है, जो मिला है राइट, हम उसके लायक थे तो मिला। भगवान नाइंसाफी तो नहीं कर सकते ना। और मैं फिर कहता हूं उसमें भी कहीं बुरा तो आपका कृष्ण कभी नहीं कर सकते, ये तो भरोसा रखो। भगवान कभी किसी का बुरा करता ही नहीं है। राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं है राम, मूर्ख आप ही मर जाते हैं करके कूड़े काम। हम भगवान को कभी दोष दे ही नहीं सकते हैं कि मेरे साथ भगवान ने अच्छा नहीं किया, वो तो सबके साथ अच्छा करता है। ये हम बुरे हैं जो उसकी अच्छाई में भी हमको बुराई दिखती है। क्या पता आज जो हमारे साथ हो रहा है उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला हो। जो आज हमारे साथ हो रहा है क्या पता उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। आज आप कहते हो पत्नी जिंदड़ी है, कल राक्षसनी मिलने वाली हो तो, और वो राक्षसनी किस पे आ गई? जिंदड़ी पे। आज जो आपका पति ऐसा है कल हो सकता है राक्षस मिलने वाला हो। राक्षस सूली की सजा कंठ पे चल गई तो आपका कैसे बुरा हो सकता है बताओ? आपका बुरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए जहां जो से कृष्ण ने आपको रखा है आप एक काम करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। अभी तो इस श्लोक की भूमिका ही बन रही है, अभी तक इस श्लोक की भूमिका बनी है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम अंतिम श्वास तक हरि कथा से जुड़े रहेंगे, हरि कथा से जुड़े रहेंगे। महात्माओं का यही काम होता है, संतों का यही काम है, महापुरुषों का यही काम है, जीवों का कल्याण करते 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 अपना जीवन समाप्त करते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कल हम ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे इस अद्भुत श्लोक का आनंद लेने के लिए, और तब जाके पता पड़ेगा कि जो आप ये कर रहे हो या जो आपसे करवाया जा रहा है उसमें आपका क्या होने वाला है। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी ककांता प्रणामामि हरिभ्यो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत दूसरा स्कंद चौथा अध्याय और 15वां श्लोक। इस श्लोक पर कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे, मैं ये सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, मैं उन सर्व मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं। यहां पर सुखदेव गोस्वामी महाराज और जहां सुखदेव गोस्वामी महाराज विराजमान थे वहां मात्र एक सुखदेव गोस्वामी महाराज ही विराजमान नहीं थे, परंतु भारतवर्ष के समस्त महापुरुष ऋषि मुनि वहां सब उपस्थित थे, जिसमें व्यास देव स्वयं जो भगवान के अवतारों में से एक माने जाते हैं वो भी उपस्थित थे, प्राशर मुनि शनकादि इत्यादि इत्यादि सारे संत महात्मा थे, और उन सब संत महात्माओं की उपस्थिति में सुखदेव महाराज यहां कह रहे हैं कि मैं सर्व मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं, आदर के साथ रिस्पेक्टफुल ओबीसियंस, बहुत रिस्पेक्ट आदर सादर आदर के साथ नमस्कार कर रहा हूं, लेकिन बहुत आदर के साथ बहुत रिस्पेक्ट के साथ अपने मन की गहराइयों से दिल से श्री कृष्ण को आदर सादर नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि वो सर्व मंगलमयी भगवान हैं। जीव का मंगल है किसमें, जैसे कि कल बता रहा था मैं कि हम अपनी अपनी बुद्धि से ये सोचते हैं कि इसमें हमारा मंगल है उसमें हमारा मंगल है, इसमें हमारा कल्याण है उसमें हमारा भला है, और उस प्रकार से योजनाएं बनाते हैं।
हमारी योजनाएं उसी अनुरूप होती है कि इसमें मेरा ज़्यादा मंगल होगा, इसमें मेरा ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा करूँगा तो ज़्यादा फायदा होगा, वैसा करूँगा तो हम ज़्यादा फायदा होगा, और वो अपने फायदे के लिए हम धोखा भी किसी को दे सकते हैं, फ्रॉड भी कर सकते हैं, बेईमानी भी कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। और मान लो कि हमने धोखे से, फ्रॉड से, बेईमानी से, छल कपट करके भी जो चाहा वो प्राप्त कर भी लिया, लेकिन इस संसार का नियम है कि वो वस्तुएं यहीं रहेंगी, वो वस्तु यहीं रहेगी, क्योंकि यहां की वस्तु यहीं रहने वाली है, यहां तक कि आपका शरीर भी यहीं रहेगा। बड़ी बात है ये, आपका अपना शरीर भी जो पंच तत्व से लिया गया है वो पंच तत्व में ही रहेगा, पानी पानी में, आकाश आकाश।